बंदों चरण सरोज गुरु मुदमंडल आगार जहि सेवत नर होत हैं भवसागर के पार। ओ साहिब साहिब जग में महान है, तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। आदमी के जिस्म में पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां, 10 चार अंतःकरण की इंद्रियां, ये 14 अंतःकरण 14 इंद्रियां कहलाती हैं। पांच कर्म इंद्रियां कौन सी है? पांव, इससे चलते हैं, गुदा मल त्यागती है, शिशिर इंद्री विषय विकार करती है, ये कर्म इंद्रिय। हाथ कर्म इंद्रिय, मुंह खाता है कर्म इंद्रिय। इन पर कौन है? जंघाओं में उपेंद्र, गुदा पर यम, शिशिर इंद्री पर ब्रह्मा जी, हाथों में इंद्र, मुख में अग्निदेव। भाई पांच ज्ञानेंद्रियां, ये ज्ञानेंद्रियां कौन सी है? आंख, इससे देख रहे हैं, कान, इससे सुन रहे हैं, नाक, इससे सूंघ रहे हैं, ज्ञान दे रही है, मुख, इससे बोल रहे हैं। दो ये ज्ञानेंद्रिय भी है, कर्मेंद्रिय भी है, मुंह डबल रोल है। त्वचा स्पंदन, इन पांचों इंद्रियों पर कौन देवता है? त्वचा पर वरुण जी, मुख में सरस्वती जी, कंठ में, नासका में अश्विनी कुमार, आंखों में सूर्य, कानों में दिशा, दिशा जी। ये चार अंतःकरण की इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनको अंतःकरण की इंद्रिय क्या? मन पहले इच्छा करता है, ये भी क्रिया है, और बुद्धि फैसला करती है, ये भी क्रिया है, चित्त याद करता है, ये भी क्रिया है, अहंकार क्रिया करता है, ये भी क्रिया है। इसलिए बुद्धि के देवता ब्रह्मा, चित्त के देवता वासुदेव विष्णु जी, अहंकार के देवता शिवजी, मन के चंद्रमा, ये 14 देवता हुए, इसको 14 फरिश्ते भी कहते हैं। इंद्रिय सुरन्न ज्ञान सुहाई, कह रहे इंद्रियों के देवताओं को ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, विषय भोग पर प्रीत सदाई, आत्मा को विषयों की तरफ ले जाता है, यानी हमें ये 14 भटका रहे। गिनती कर लो इसमें कौन कौन आ गए, अंदाजा लगा लो, अंदाज लगाओ। कह रहे ये आत्मा को भटका रहे हैं। बहुबंधन ते बांधिया, एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे, जो न छुड़ावे पीर। ये आत्मदेव सही में बंधा हुआ है, सही में हम सब एक शात्र ताकत के हाथ में हैं। तभी तो साग वाणी में कह रहे हैं सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। अब आगे कह रहे हैं जो रक्षक हैं चीनत नाई, जो भक्षक हैं ध्यान लगाई, जो रक्षक है उसको कोई ध्यान नहीं कर रहा है, जो भक्षक है सभी उसकी तरफ जा रहे हैं। साहिब की वाणी में बड़ा वजन है, बड़ा वजन है वाणी में, साहिब बोल रहे हैं। आप चिंतन करें, साहिब ने निंदा नहीं की, जो कुछ कहा साफ साफ कहा। ब्रह्मादि जो काल जीवन को सतावे, जो काल पुरुष जीवों को सता रहे हैं, तास भक्ति जड़ा वही उसकी भक्ति जड़ा रहे हैं। विष्णु आदि शिव संकादि अज सुर काल के गुण गा वही, सब काल पुरुष का गुण गा रहे हैं। जो रक्षक तहचीनत नहीं, जो भक्षक तह ध्यान लगाए। अब सीधा देखते हैं बंधन क्या है। भाई एक आदमी को हथकड़ी बंधी है, तो उसे आजाद करना है तो कैसे? हथकड़ी खोल लें,
भाई हथकड़ी खोल दें, हथकड़ी खोल दें। आत्मा के बंधन क्या है? आत्मा मन के बंधन में, सीधी सी बात है। मन का पिंजड़ा इतना तगड़ा है, तीन लोक में मन ही विराजे, मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोहे राग भरमाई। साहेब वाणी में कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से, मन बड़ा विशाल है, आओ जिस पिंजड़े में आत्मा बंद है वो पिंजड़ा देखते हैं। ये बहुत बड़ा पिंजड़ा है, इससे आत्मा निकल नहीं पा रही है, चाहकर भी एक पल भी आत्मा नहीं निकल पा रही है। इस शरीर में आत्मा की कोई आइडियल पहचान है क्या? भाई आइडियल रूप आत्मा का कैसा, आओ देखते हैं। इस शरीर में आत्मा का आइडियल रूप है कुछ। ये आइडियल रूप क्या होता है? जैसे आजकल भाई क्या होता है, कोई बैंक में डाका डालने गया कोई आदमी, तो अब परिचित तो होता नहीं है, अलग से कहीं आता है, बैंक मैनेजर से पूछते हैं भाई चाबी क्यों दी? उसने कहा महाराज जान गंवानी थी, उसने बंदूक लेकर पिस्तौल लेकर खड़ा था, दे दी। अच्छा बोला, कोई बात नहीं है, ये बताओ उस आदमी को जानते जो डाका डालने आया, उसमें कमांडर कौन था, लीडर कौन थे, कितने लोग थे? बोलता भाई तीन चार आदमी थे। लीडिंग कौन कर रहा था? भाई एक पीली शर्ट वाला था। अच्छा उसका नाक नक्शा बता दो हमें। बोला सर गोल था या लंबा था? देखो आदमी का सर किसी का गोल होता है, किसी का लंबा है। ये भैया जी का सर गोल है, ये लड़के का सर लंबा है। इस तरह किसी का चेहरा भी गोल होता है, किसी का लंबा होता है। अच्छा बोलता भाई एक बात बताओ, चेहरा गोल था लंबा था? बोला अच्छा हाइट कितनी थी? कंप्यूटराइज करते जाते हैं भाई, 5 फीट 8 इंच थी, दरमियानी हाल। रंग कैसा था? काला था गोरा था? बोला अच्छा ठीक। भाई नाक चपटी थी, ऊंची थी, तेज थी, कैसी थी? वो लिखता है। अच्छा भवें भाई हल्की थी, पतली थी? ओ बोलता है भाई एक बात बताओ, बाल उसके खड़े थे या पड़े थे या किस तरह थे? बोला ऐसा था। अच्छा मूछें भाई कैसी थी, जो डाका डालने गया इतना सावधान नहीं था? वो बोलता है भाई ऐसा ऐसा था। अच्छा ठीक है भाई एक बात बताओ, बाजू लंबे थे या बाल की कटिंग कैसे थी? बोलता है उसका एक कंप्यूटर पर नक्शा बनता है, वो है आइडियल रूप। फिर वो सभी थानों में भेजा जाता है, भाई सोलिए का आदमी कोई आपके यहाँ है? बदमाशों की गिनती में उनके पास रिकॉर्ड है, वो फौरन जान जाते हैं, पकड़ लेते हैं, पहुंच गया आइडियल रूप से। इस आत्मा का भी कोई रूप है क्या शरीर में आइडियल रूप? भाइयों इस आत्मा का भी शरीर में एक आइडियल रूप है, आओ हम उसको देख लेते हैं। अब उस रूप को जो देखो, जिसने महात्मा गांधी को जानता है रेखा चित्र बना दीजिए, वो कहता है ये भाई गांधी जी है। हम सिर्फ चित्र रेखा चित्र देखकर आइडेंटिफाई करते हैं गांधी जी है। भाई कोई इंदिरा गांधी का रेखा चित्र बनाता है, वो तो पेंसिल से बना रहा है, फौरन हम कहते हैं ये इंदिरा जी है। भाई कोई अडवाणी जी का चित्र बनाता है तो हम फौरन कहते हैं ये एल के अडवाणी का चित्र है। इसी तरह वो आइडियल पिक्चर कंप्यूटराइज करके बनाई जाती है, इससे वो अपराधी तक पहुंच जाते हैं। ठीक है अब वो थानों में देते हैं, वो जानते हैं सोलिए का, वो एकदम देखते ही पहचान जाते हैं ये फलाना आदमी था। इस तरह इस आत्मा का एक आइडियल रूप है आपके शरीर में। ये इंद्रिया आत्मा नहीं है, ये मन आत्मा नहीं है, ये विचार आत्मा नहीं है, ये बुद्धि आत्मा नहीं है, जो आप में अच्छे बुरे विचार हो रहे हैं ये भी आत्मा नहीं है, आत्मा इनसे परे है। ये तो मन की स्थिति है। कभी कभी आप कहते हैं जो अच्छा काम किया ये आत्मा थी, जो बुरा काम किया था ये मन था। नहीं 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 नहीं, आत्मा किसी कर्म से परे है, अच्छे तथा दोनों बुरे दोनों कर्मों से आत्मा सर्वथा परे है। इसका आत्मा का फिर रूप क्या है शरीर में? आत्मा का रूप है आइडियल कंसंट्रेशन ध्यान। आपने सुना होगा आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा का मरण नहीं होता, नॉर वेपन कैन कट इट, नॉर फायर कैन बर्न इट, नॉर विंड कैन राइट, नॉर वाटर कैन रेट इट, अर्जुना सोल इज इमॉर्टल विल नॉट डिस्ट्रॉयड इवन इन ग्रेट डिसोल्यूशन। और रामायण में कहते हैं नैनम दहंती पावक, आत्मा को अग्नि नहीं जला सकती है, न च शोषंति मारुतः, मारुति हवा को कहते हैं, वो भी शोषण नहीं कर सकती है। इस ध्यान को आप ऐसा करना, ध्यान बड़ी खास बात है, यह आत्मा का आइडियल रूप है। ध्यान को कुएं में डाल देना गीला नहीं होता, रेल की पटरी आ रही है पटरी पर ध्यान रख देना कटता नहीं है, आग में डाल देना ध्यान जलता नहीं, पर ध्यान है। आओ मैं ध्यान भी दिखा दूंगा, ध्यान है। आप यहाँ बैठे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे समझ रहे हैं, आप मुझे देख भी रहे हैं। अगर आपका ध्यान
अगर आपका ध्यान कहीं और हट जाए, आप मुझे देख भी नहीं पाएंगे, मुझे सुन भी नहीं पाएंगे, मुझे समझ भी नहीं पाएंगे। इसका मतलब है ध्यान का महत्व था, ध्यान का बड़ा महत्व था। आओ ध्यान दिखाऊं, आपको ध्यान प्रैक्टिकल दिखाता हूं। आप ऐसा करना, अपना ध्यान पेट में रोक लो तो वहां लगेगा स्पंदन कोई चीज रुकी। अपना ध्यान कंठ में ले आओ, देखो रुक गया। अपना ध्यान आज्ञा चक्र में लाओ, देखो। अपना ध्यान शीर्ष सवा तुम पर रोको, जहां ध्यान जाता है स्पंदन लगता है, एक टच लगता है। ये ध्यान चीज है, इसके अंदर बड़े रहस्य भरे पड़े। इसको संतों ने सुरति कहा, सुरत संभाले कहा जाए तू मत भरम बुलाए, मन सार मन सालहर बहे कत उन्हें जाए। तीन लोक की रचना पूरी सुरति के अंदर है। वाह भाई वाह। इसी ध्यान को मन 24 घंटे दुनिया में उलझाए, यानी ये ध्यान हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार के दायरे से निकल नहीं पा रहा है। ठीक है, ठीक है। कभी इच्छाओं में हम लग जाते हैं, कभी याद करने लग जाते हैं, कभी चित्त में लग जाते हैं, तो मन कहता है वो पलाना हुआ ढिकाना हुआ, उसने गाली दी थी, ये हुआ था वो। इस पिंजड़े से सुरति बाहर नहीं निकल पाती है। कभी कभी आप ये विचार करके बैठते हैं कि आज ध्यान में बैठना है, आज कहीं भी मैंने नहीं सोचना है। अगले पल फौरन आप कहीं चले जाते हैं, क्या भाई वहाँ पर मनोहर लाल जी ने मुझे गाली दी थी। बस आप उस जगह पहुँच गए जहाँ मनोहर लाल जी ने गाली दी। इसका मतलब है आपका कोई जोड़ नहीं चल रहा है इसमें, ठीक है। और ये सब कौन कर रहा है? मन। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। अब आत्मदेव के पास ताकत बड़ी है, पर ये अपने को नहीं जान पा रहा है। और ये आत्मा अपने विरोध में खुद शक्ति लगा रही है अपनी। इस पर साहब ने बड़ी बात कही, हंसा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। आपा ही बन लो, अपने आप को बांध दिया। कैसे? जैसे सुनहा कांच मंदल में भरमत भूसो मारो रे, जैसे कुत्ता कांच के मकान में अपना रूप देखकर दूसरे कुत्ते मानता है और भौंकता है, मर जाता है, अपनी मौत के लिए अपनी शक्ति लगाए भौंक भौंक कर। कुत्ता जब भी भौंकेगा ज्यादा दो बात होगी, या तो मर जाएगा या तो पागल हो जाएगा। क्यों? कुत्ते को भौंकने में एनर्जी बड़ी लगानी पड़ती है। मुझे एक वृत्तांत याद आया, एक गांव में एक आदमी ने अपने पड़ोसी को तंग करने के लिए एक कुत्ता लाया। अब जिस घर में कुत्ता था उधर से जाना पड़ता था, कुत्ता उनको बड़ा परेशान कर रहा था। पड़ोसी ने अकलमंद एक दोस्त से कहा, भाई मैं इसके कुत्ते से बड़ा तंग हूँ। उसने कहा पहले जानो कुत्ता भौंकता किस चीज़ पर है। बोला वो साउंड पर भौंकता है ज़्यादा। बोला ठीक है, तुम ऐसा करो ढोल या कोई ऐसी चीज़ रखो, नगाड़ा बजाओ, वो भौंकेगा, जैसे फिर चुप हो फिर बजाना। दो दिन में कुत्ता मर गया, मर जाएगा। तो कह रहे जैसे सुना कांच मदल में भरमत भूसो मारो, आत्मा भी इस तरह अपनी ताकत से अपना विनाश करती है, अपने को कष्ट में डाले। जैसे नाहर कुपे में अपनी प्रतिमा देख पड़ो, पर कुत्ते को बहम क्यों आया? शीशे के कारण। जैसे नाहर कहते शेर को, शेर कुएं में अपनी परछाई देखकर गिर पड़ता है, उसको गिराने वाला कोई नहीं था, उसने उसमें गिरने के लिए अपनी ताकत लगाई थी, अपनी ताकत लगाई। उसने कुएं में अपना बिंब देखा, प्रतिबिंब देखा, कहा यह शायद दूसरा शेर है, दहाड़ा, अपनी आवाज प्रतिध्वनित होकर के आई। उसने सोचा दूसरा शेर है, कूद पड़ा, किसी ने पीछे धकेला नहीं, उसके पीछे कौन जाना था। उसने अपने खिलाफ अपनी शक्ति लगाई। मरकट मूठ स्वाद नहीं छाड़ो, घर घर रटत फिरो, आपा ही बंध लो। जैसे बंदर को पकड़ने के लिए लोग बंदर बाहुल्य क्षेत्र में घड़े में सुराई में चने डालते हैं, जमीन में सुराई गाड़ देते हैं, बंदर सूंघता है और वो घड़े सुराई में हाथ डालता है। अब पतला हाथ चला जाता है, मुट्ठा भर लेता है। अब जब वापस बाहर निकलता है हाथ निकलता नहीं है, चिल्लाता है बचाओ बचाओ, किसी ने नहीं पकड़ा था, चने छोड़ दे बाहर आ जाएगा। वो अपनी शक्ति से ही अपने को बांधा था। आपा ही बंध लो, आत्मा इस तरह अपनी शक्ति द्वारा बंधी है, मन और माया इसे अपनी ताकत द्वारा बांधे हैं। बस यहाँ एक ये रहस्य है,
इसलिए ये आत्मा अपने को मुक्त नहीं कर पा रही, मन के कहने पर चल रही है, जैसा जैसा मन चाहता है वैसा वैसा मन करा रहे हैं। बाजीगर का बांद्रा ऐसा जीवन साथ, नाना नाश नचाए के राखे अपने हाथ। इस तरह आत्मदेव खुद को नहीं जान पा रहे हैं, बस इस आत्मदेव को जानकारी मिल जाए। आपके पास पूरी शक्तियां हैं मौजूद, तो ये गुरु को महत्व दिया। क्या करता है गुरु इस आत्मदेव को, जो अभी कामा में चल रहा है, पूरी हुकूमत मन और माया की चल रही है, आत्मदेव को जागरूक कर लेता है। फिर आत्मा इसका कहना नहीं मानती है, बस काग बल ढंसा कर दी ना, इसमें पूरा वृतांत दिया। साहब कह रहे हैं मन जाता है जाने दे, कह के राग शरीर उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। फिर आत्मा इसके कहने पर संसार के पदार्थों में लिपायमान नहीं होती है। यह नामदान देना आत्मा को गुरु जगा देता है, आत्मा को चेतन कर देता है, आत्मा उसके बाद मन का विरोध करने लग जाती है। यह है मुक्त होना। फिर आत्मा इच्छा भी नहीं करती है जगत में आने की, आत्मा इच्छा भी नहीं करती है इन कल्पनाओं की। सत्य अहिंसा प्रेम करुणा धर्म की पहचान है, मेरा धर्म साहिब बंदगी अब सुबह और शाम है। मैं करूँ गुणगान तेरा तू गुणों की खान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। साहिब मेरा साहिब मेरा, हो साहिब मेरा मेरा साहिब मेरा हो। दुर्व्यसन दुर्गुण कपट छल से भरा इंसान है, तू है पारस तेरी भक्ति का हमें वरदान दे। तू बना दे स्वर्ण हमको, हम तो लौह समान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। साहिब मेरा साहिब मेरा, हो साहिब मेरा मेरा साहिब मेरा हो। मेरे दिल की है तमन्ना मैं रहूं या ना रहूं, सामने साहिब रहे मेरा मैं जहां भी तन तजूं। मेरे दिल की है तमन्ना मैं रहूं या ना रहूं, सामने साहिब रहे मेरा मैं जहां भी तन तजूं। जीते मरते शरण तेरी ही तो स्वर्ग समान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है। मेरे साहिब की क्या शान है, मेरे साहिब की क्या शान है, रोशन ये सकल जहान है, मेरे साहिब की क्या शान है। साहिब मेरा मेरा साहिब मेरा।